हेलो एवरीवन, आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हाउ मैनी स्क्वेयर्स। ओके, हाउ मैनी स्क्वेयर्स। तो उसमें हम सबसे पहले तो एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे जिसके अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे स्क्वेयर्स ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले तो हम इन स्क्वेयर्स का टोटल निकालेंगे। टोटल हम कैसे निकालेंगे? काउंट्स करके। तो पहले हम इनको काउंट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका टोटल क्या है? 9। तो इसका टोटल हमने क्या कर दिया? 9 है ना स्क्वेयर्स। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या काउंट करा है? स्क्वेयर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्क्वेयर्स। यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं था इससे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है स्क्वेयर की, लेकिन आपको फुल फॉर्म लिखनी है। अब हम करेंगे स्क्वेयर का एरिया। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं? एरिया के लिए सबसे पहले तो हमने ये काउंट करने हैं। तो हमने इसे काउंट तो कर लिया है, हम काउंट कर चुके हैं ना इसे। तो एरिया के लिए हम इसे काउंट कर लेंगे। तो काउंट करके हमारा क्या आया है? 9। तो जो हमारा टोटल करके आते हैं ना, जितने स्क्वायर, उतना ही उसका एरिया होता है। तो 9 आया है टोटल करके, तो इसका एरिया भी क्या हो गया? 9। और अगर हम एरिया निकालते हैं ना, तो उसमें हम 9 स्क्वायर सेंटीमीटर करके लिखते हैं, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मेरा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। इधर शॉर्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म ही आएगी। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया तो हो चुका ना। एरिया कैसे निकालते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर पेरीमीटर में अब हम क्या करते हैं? पेरीमीटर में हम सबसे पहले तो इन्हें काउंट कर लेते हैं। मैं आपको अलग कलर से करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हर बॉक्स का, जैसे ये वाला बॉक्स हमने मान लिया, हर बॉक्स का 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है। 1 सेंटीमीटर हर बॉक्स की। इसकी भी 1 सेंटीमीटर होगी। ज़रूरी नहीं है कि जो एरिया होगा वही उसका पेरीमीटर होगा, अलग भी हो सकता है। और इसका भी 1 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका भी, जब हम यहाँ से लाइन शुरू करेंगे ना, ये वाली लाइन, तो भी हम ये वाले बॉक्स को काउंट करेंगे। तो इसका भी 1 सेंटीमीटर, इस वाले का भी 1 सेंटीमीटर, इस वाले का भी 1 सेंटीमीटर। तो अब जैसे ये वाली लाइन कंप्लीट होगी ना हमारी, तो ये वाली लाइन करने के लिए भी हम ये वाला बॉक्स काउंट करेंगे। 1 सेंटीमीटर इसका भी, इसका भी, इस बॉक्स का भी 1 सेंटीमीटर, इस बॉक्स का भी 1 सेंटीमीटर। तो अब ये वाली लाइन हो गई हमारी कंप्लीट। इस वाली लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम ये वाला स्क्वायर काउंट करेंगे। तो इसका भी 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर, और इसका भी 1 सेंटीमीटर। तो अभी हमने सारे 1 सेंटीमीटर के काउंट कर लिए। अब हम इन सभी 1 सेंटीमीटर को हम टोटल करेंगे इनका। ये वाली लाइन में कितना हो गया इसका टोटल? 3। 1 1 1 का टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। फिर हम इस वाली लाइन को काउंट करेंगे तो 1 1 1 क्या हो गया? 3। और 3 और 3 को हम प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएंगे। अब ये वाली लाइन को काउंट करेंगे तो इसमें भी 3 आ गया। 3 3 3 को हम प्लस कर देंगे तो 9।
और अब ये वाली लाइन को भी काउंट करेंगे तो हम एक और 3 प्लस कर देंगे तो 3 3 3 3 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो अब इसका आंसर क्या आ गया 12, क्योंकि हमने ये सारे टोटल करके क्या आंसर आया 12, और इसका भी क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हम अगर पेरीमीटर करते हैं ना तो सिर्फ सेंटीमीटर ही आता है, अगर हम एरिया निकालते हैं तो आएगा स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर आता है, अगर पेरीमीटर या टोटल निकालना हो तो नहीं आता स्क्वायर। ओके, अब मैं आपको एक और से करके दिखा देती हूँ, एग्जांपल दे देती हूँ एक और। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया ना, अभी मैं कर रही हूँ, 2 मिनट्स वेट। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ओके कर दिया ना मैंने यहाँ पर ड्रॉ, तो इसमें अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे कितने हो जाएंगे अभी तक, तो इसका टोटल क्या होगा, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना टोटल हो गया 6 स्क्वायर लिख देंगे हम। अब हम इसका काउंट करेंगे एरिया, मैंने बताया था आपको कि एरिया कैसे काउंट करते हैं, जितना उसका टोटल होगा उतना ही उसका एरिया होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका हम पेरीमीटर करेंगे, तो पेरीमीटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसके 1 1 सेंटीमीटर करके कर सकते हैं। इसका मैं आपको अलग कलर से करके दिखा देती हूँ, तो कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर इसका ये 1 सेंटीमीटर, 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 यहाँ पर इसका ये इस बॉक्स का, सॉरी ये मेरे बीच वाली लाइन गलत लग गई, इसका भी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसी बॉक्स का हम काउंट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, इस बॉक्स का भी 1 सेंटीमीटर, इस बॉक्स का भी 1 सेंटीमीटर। ओके, इसका 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 ओके, तो अब हम काउंट कर लेंगे इसे ऊपर वाले में, तो यहाँ पे ये 2 आ रहे हैं, तो 1 1 2, उसके बाद हम 3 करेंगे तो 2 के बाद 3 4 5 3 4 5, ओके 5 के बाद 6 7, और ये 8 9 10, तो इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर। हम एक बार और काउंट कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ये 2 2 के बाद 3 4 5, या फिर 6 7, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 4 5, फिर 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, ओके क्लियर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ओके, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक हाउ मैनी स्क्वेयर्स। ओके, थैंक यू।